हाँ जी नमस्कार जी, अज असी बना रहे हैं हरे छोलिए ते आलू की सब्जी। पैन रखता हूँ, असी पावांगे दे विच ऑयल, तेल गर्म हो गया, जीरा पावांगे, पावांगे अनियन, प्याज साढ़े पक गया, हम असी पावांगे दे विच लसन ते अदरक दा पेस्ट। नाल ही असी पावांगे हरी मिर्च, लसन साडा पक चुका, हम पावांगे इसमें ग्रेट की पेस्ट मटर, नाल इहदे विच पावांगे इसमें स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी हल्दी, थोड़ी पावांगे गोभी मिर्च, हाँ जी टमाटर सारे पक चुके हैं, ये पाना थोड़ी गेंद, पहले असी पाना भुल गया से, इस करके असी हिंग पाती है, पा लेंगे दोनों, थोड़ा जहा पावे पानी ताकि साडा मसाला जो नीचे ना लगे। हम इस हरा चना नमक पा के असी बॉयल कर लिया, बॉयल करके आलू तो थोड़े जे असं मैश करके आलू पावे ताकि ग्रेवी जो ठीक हो जाए। थोड़ा जहा असी पावांगे गरम मसाला, नाल ही असी पा देंगे पानी, पानी असी उन्ना ही पाना जिनी असी ग्रेवी रखनी है। जब तक साड़ी सब्जी पकती तद तक असी करते हैं मक्की की रोटी की तैयारी। हम असी पा रहे हैं ये रोटी,
मैं सिल कराऊंगी दे कुछ ऑयल दूसरी साइड से ऐसी ऑयल लगाऊंगे तो साली रोटी किस तरह खोल रही है। साड़ी मक्की की रोटी बन के तैयार। लो जी असी मक्की की रोटी आलू छोलिए की सब्जी और अचार तेल वाला नींबू का उस नाल सर्व कर रहे हैं। ये दसना कि तुहानूं रैसपी किस तरह की लगी, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल में सबसक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू।